हाय गाइस, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप लोग। गाइस, दुबई का वीज़ा कैसे चेक करते हैं? चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, आप कैसे चेक करोगे कि ये आपका वीज़ा है? ये आपका वीज़ा फर्जी नहीं है, आपका वीज़ा ओरिजिनल है, ठीक है ना। एक रियल वीज़ा है, एक फेक वीज़ा नहीं है। एजेंट आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप जिस किसी कंट्री दुबई जाना चाहते हैं या और भी किसी कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये स्पेशली मैं आज जो दुबई के लिए बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी और कंट्री में काम करते हैं या किसी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो ये नॉलेज भी आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपका आपको कभी भी काम आ जाएगा इन फ्यूचर। आपका कोई फ्रेंड हो या आपका कोई रिलेटिव्स हो, उसको आप गाइडलाइन दे सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको मैं आज बताऊंगा कि कैसे दुबई का वीज़ा को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल और जेन्युइन तरीका है। वैसे तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा जो अलग अलग मेथड से बताया गया है, बट जो ये मैं आज बता रहा हूँ एकदम सिंपल और सही जेन्युइन तरीका है, आप अपने दुबई का जो वीज़ा है उसको चेक कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये मुझे आपको सबको ज़रूरी है जानना चाहिए कि अगर आप दुबई में या और भी जिस किसी कंट्री में आपको काम कर रहे हैं या आप करने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने कहीं से काम कराया है, आपका एजेंट ने आपको वीज़ा दिया है, तो आप उस वीज़ा पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। इस वीज़ा पे ट्रस्ट करने के लिए आपको कुछ आपके साथ आपके हाथों में कुछ एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस क्या होना चाहिए कि उस वीज़ा जेन्युइन है या नहीं है, आपको सर्च करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सर्च करेंगे, स्पेशली दुबई के लिए। तो आज इस वीडियो में दुबई का मैं बात करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं किसी और कंट्री के लिए मैं बात करूंगा आपको। फिर आज स्पेशली दुबई की हम बात करते हैं। तो गाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए। और आप पहली बार हैं मेरे चैनल पे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवाइस देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं देता हूँ और ये आपके काम का होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो एक बनता है गाइस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये अगर आप मोबाइल पर चेक करना चाहते हो तो गूगल क्रोम को आप डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिए, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पर करने के बाद उसमें टाइप कीजिए, उसमें टाइप कीजिए AMER.EA। क्या टाइप करना है आपको? AMER.EA टाइप करके आपको सर्च बटन क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पर लेकर जाएगा वो, ठीक है ना। उस पेज का क्या नाम होगा? जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स दुबई, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, आपको ऊपर दिख रहा होगा जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स दुबई, ठीक है ना। ये गवाह के जो वीज़ा का जो सेक्शन है, जो दुबई गवर्नमेंट की जो अपनी ऑथराइज्ड वेबसाइट है उस पर लेकर जाएगा, उस पर आपको दिख रहा होगा। अब आपको वहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे भी एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसको आपको टच नहीं करना है। अब आपको लेफ्ट साइड में एक स्विच होगा, उसको आप लेफ्ट साइड को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरल इंक्वायरीज़ को, ठीक है ना। जनरल इंक्वायरीज़ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स बन के आएगा, उसके अंदर में ऊपर में लिखा है इंट्री और रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आपको एंट्री को क्लिक करना है क्योंकि आप वीज़ा चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे आपको अपना वीज़ा नंबर डायल करना है, टाइप करना है वीज़ा नंबर, जो सबसे आपके वीज़ा आपके पास होना चाहिए, उस वीज़ा के ऊपर में उसका वीज़ा नंबर होता है, उस वीज़ा नंबर को आपको टाइप करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लिखना है, सपोज़ कि आपका नाम रमेश कुमार है तो आपको रमेश टाइप करना है, ठीक है ना। तो ये आपको फर्स्ट नेम देना है। उसके बाद नेशनैलिटी देना है, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री का नाम देना है। तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो इस पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में मेंशन है, सही डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको नीचे दिखेगा एक और बॉक्स बना हुआ है, आई एम नॉट रोबोट, तो आपको उसको टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर लेंगे तो आपका ये
प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद सबसे नीचे सबमिट का बटन है, उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक सेकेंड पेज पर लेकर जाएगा और वहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद दो ऑप्शन होगा, आप उसको बैक कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड जैसे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड करके उस अपने वीज़ा को देख सकते हैं, अपने वीज़ा को पीडीएफ फॉर्म में आप जो है फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो अभी लाइव वीज़ा नहीं है, ये तो मैं करके मैं दिखाता आपको, तो वीज़ा नहीं है तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं आपको दिखा सकता हूँ। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपका काम हो जाएगा, आप अपना वीज़ा को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें उलझन नहीं है। इसमें कोई भी सिंपल एक जो नॉर्मल मोबाइल चलाने वाला कोई इंसान हो उसको भी चेक कर सकता है। तो अगर आप जिस किसी कंट्री में रहते हैं या जाना चाह रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना, कि वीज़ा कैसे चेक करते हैं, आपका जो कुछ गवर्नमेंट रूल है, रेगुलेशन है, आपको पता होना चाहिए, क्या वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे तो नहीं होगा, आपको YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से ही आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन करना होता है। यही एक क्राइटेरिया है जो आप अपने वीज़ा को चेक कर सकते हैं। तो शायद आपको कुछ हद तक समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो इस मेरे वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए, आपको समझ आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर साफ साफ मैंने सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। और एक ज़रूरी बात कि इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर, उस वेबसाइट पर जाकर, उस पेज पर जाकर आप अपना वीज़ा नंबर और अपना डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम और नेशनलिटी फिलअप करके और आप उसको सबमिट करके आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा ऑथेंटिक है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, फेक तो नहीं है। तो ये दुबई का वीज़ा चेक करने का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आई होप इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, और देख ही लिया है तो लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक कर दो और बताओ कि और क्या चाहिए आपको आगे, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आप जो भी बोलो मैं बना के दूंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि मेरा कमिटमेंट है आपसे कि मेरे चैनल पे जो भी मैं बात करता हूँ बढ़ा चढ़ा के नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ऑथेंटिक बात करता हूँ, मेरे साथ पूरा प्रूफ होता है, सबूत होता है, ऐसे मैं हवा में तीर नहीं चलाता गाइस। सो फिर से बोलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।